कंगना रनौत के आजादी वाले बयान से अब बीजेपी ने भी किया किनारा, तो वहीं उर्मिला मातोंडकर ने कसा तंज। देश भर में कंगना का भारी विरोध जारी, जलाए जा रहे हैं पुतले। अक्सर अपने बेबाक बयानों से विवादों में रहने वाली कंगना रनौत इस बार आजादी पर बेतुका बयान देकर बुरी तरह से फंस गई हैं। जहां बीजेपी ने कंगना रनौत के इस बयान से पल्ला झाड़ा है, वहीं कंगना के खिलाफ देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश की आजादी का साल 2014 बताकर कंगना बुरी तरह से विवादों में घिर गई हैं। सोशल मीडिया पर जहां यूजर्स उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग कंगना रनौत देशद्रोही टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के भाजपा चंद्रकांत पाटिल ने भी कंगना के बयान को पूरी तरह से गलत करार दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि किसी को भी आजादी की लड़ाई या फिर स्वतंत्रता सेनानियों पर नकारात्मक टिप्पणी करने का हक नहीं है, ऐसा करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ कर सकते हैं पर स्वतंत्रता आंदोलन की आलोचना नहीं। तो वहीं दिल्ली भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने देश की आजादी को लेकर की गई इस टिप्पणी के लिए कंगना रनौत की निंदा की और उनके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही की भी मांग की है। प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट किया कि एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र होने और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आने के कारण कंगना रनौत का भारत की आजादी को भीख में मिली आजादी कहना मुझे स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुरुपयोग एवं स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का अपमान लगता है। काश भारत की न्याय व्यवस्था संज्ञान ले। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कंगना के बयान पर अपनी रिएक्शन देते हुए कहा कि देखिए, जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस आजादी के अमृत महोत्सव को किसी भी हाल में किसी के भी द्वारा कम करके नहीं दिखाना चाहिए। 2014 का अपना महत्व है। आजादी का अमृत महोत्सव सैकड़ों बलिदानों के बाद हमने पाया है। अगर उसको कम करके कोई दिखाता है तो उसकी सोच छोटी है। तो वहीं महात्मा गांधी के पर पोत्र तुषार गांधी ने भी कंगना को नफरत का एक एजेंट बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि पद्मश्री कंगना रनौत नफरत, नाकाबिले बर्दाश्त और उल्टा सीधा बोलने की एक एजेंट है। ये हैरानी की बात नहीं कि उन्हें लगता है कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली। नफरत और नाकाबिले बर्दाश्त दिखावती देशभक्ति और दमन को भारत में 2014 में ही आजादी मिली है। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे बयान उस कार्यक्रम में दिए गए जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। आखिरकार आज पीएमओ नफरत का झरना बन गए हैं जो प्रचुर मात्रा में हमारे देश में बहता है। तो वही इस पर शिवसेना सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी बिना नाम लिए कंगना रनौत पर निशाना साधा। उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट कर लिखा, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल खुशबू कहाँ से लाएंगे। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालेवाल ने भी कंगना रनौत की आलोचना करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भगत सिंह आजाद और गांधी की आजादी इन्हें भीख लगती है और सत्ता की गुलामी का मजा ले उसे असल आजादी बताती है। ऐसी सोच के लिए ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने कंगना रनौत की एक वीडियो क्लिप भी शेयर की जिसमें उन्होंने टिप्पणी की है, महिला कांग्रेस की ओर से राजस्थान के 4 शहरों जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और चुरू में कंगना रनौत के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता को कथित रूप से भीख बताने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो वहीं इंदौर में कई जगह कंगना रनौत के पुतले भी जलाए गए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।